मंत्री रामदास आठवले नागपुर आए थे। इस दरमियान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मराठा आरक्षण और महायुति इन दो मुद्दों पर पत्रकारों से संवाद साधा। पत्र परिषद के दौरान आठवले इन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के उन्नत होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज किया। फडणवीस सरकार ने कोर्ट को मराठा समुदाय की स्थिति से अवगत कराया, लेकिन ठाकरे सरकार इसमें विफल रही। संविधान में संशोधन कर 50% के आगे आरक्षण दिया जा सकता है। साथ ही आठवले बोले, दलित अधिवास अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण से वंचित कर दिया गया है, यह निर्णय आत्मघाती होगा। मराठा समाज को आरक्षण देने का जो विषय है, इस विषय पर और दलितों को आदिवासियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो अभी तूफान आया था, इस तूफान में कोंकण और महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार की, भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति का एक डेपुटेशन 20 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का टाइम लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले हैं। इस उद्धव माननीय उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग प्रधानमंत्री जी को मिलकर आए हैं। उसी तरह हम भी ये विषयों को लेकर हम प्रधानमंत्री जी को मिलने वाले हैं। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जिस तरह मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसी तरह देश के तमाम क्षत्रिय जो लोग है, उसमें जाट है, राजपूत है, ठाकुर है, रेड्डी है, ऐसे देश भर के जो क्षत्रिय लोग है, ऐसे क्षत्रिय लोगों को अलग से 10-12% आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरे पार्टी की तरफ से मांग है और मैं राज्यसभा में भी इस विषय को उठाने वाला हूँ और प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। दूसरा एक है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमारा निवेदन है कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करना है तो आपने महाविकास आघाड़ी के सरकार से बाहर आना चाहिए और बीजेपी आरपीआई के साथ मिलकर महायुति की सरकार बननी चाहिए। 20 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फडणवीस मिलेंगे। यात्रा के दौरान वह मराठा आरक्षण, आरक्षण में पदोन्नति और तूफान से हुए नुकसान की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही देश भर में क्षत्रिय समुदाय के लिए 10-12% आरक्षण की मांग करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।